मोबाइल हूँ मैं, नहीं नेटवर्क हूँ मैं, टावर हो रहा है तू क्यों हमारे एकदम ही पिछलग्गु हो रहा बिल्कुल ही। वेल मॉम, आपको नहीं दे सकता, ऐसे होते परेशान इस दा, मेरी सास मुझे कहती है भूत राक्षस और शैतान इस दा। योर सास इज एन एनलाइटेंड वुमन। और रही बात थारी, तू एक नंबर का लीचड़ आदमी से कतई यार। एक मैं वैसी अलग परेशान चल रही हूँ कि सर को मैं परली लोक कहां से दिखाऊं परी लोक, और तू यहाँ बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही पीछे पीछे इरिटेट में हो रहा है। नहीं यार बिल्कुल परी लोक मैं नहीं लेके गई ना, तो यो ही चलता रहेगा फिर, डिनर लंच सिनेमा वॉचिंग थ्री डीज स्नैक्स, और हो जाएंगे फेल कतई एग्जाम में, और फेलियर कहलाएंगे फिर, और सारे फेलियर इसी चौकी में। एक तो ये मुत्तसा फेलियर, और वो लंबूदड़े गोरे चिट्टे फेलियर घूम रहे होंगे यहां से वहां। हाय यार, ओ बिल्लू, एक्सक्यूज मी मैडम, पंखा पुराना बा। तो तू मारे से क्या चाह रहा है कि मैं ट्रेपीज आर्टिस्ट बन के कतई कलाबाजी खाते हुए गोता लगाते हुए पंखे पे झूल के उसके नट बोल्ट टाइट करके पेंट करके उसको बिल्कुल 100% नया बना दूं के? ई का बताएंगे, हमसे सुनिए। क्या सुनाएंगी? बिरहा या लोकगीत? हमरा नाम है मुन्नी मंचली, हमरा ठुमका लल्लन टॉप। तो यहाँ अपना ठुमका दिखाने आई है, कतई धक धक गर लो रही है तू। अरे क्यों आए हो यार, लेकिन क्यों क्यों? मैडम हम बतावत बानी। देखिए मैडम, दरअसल बात ये बा कि हम एगो डायरेक्टर बानी, हम एगो भोजपुरी फिल्म बनावत बानी, भौजी पीसे चटनी। वेल ब्रो, कौन सी चटनी, धनिए की चटनी या पुदीने की चटनी? खुद का तो सारा जीवन चटनी की तरह पिस चुका है, पर चटकारे लेने से बाज ना रहे कतई बड़े मियां। बेटा बेटिंग लिस्ट में ना नंबर 1 पे हो रहा था क्रमांक। तुम अपना बोल लो ना यार, क्या करने आए हो, क्यों आए हो, यहाँ केमिस्ट्री देख रहे हो, ये कौन है साथ में चिड़ी मार कलुआ? मैडम मैं हूँ गेहूं यादव, भोजपुरी सिनेमा का उभरता हुआ सितारा, फिल्म सिल्वर जुबली बा। अच्छा मैडम देखिए, हम बतावत बानी, ये दोनों जो है हमारी फिल्म के हीरो हीरोइन बा, और मैडम हम इतना दूर चल के यहाँ रावणपुर में अपनी फिल्म का सेट लगावल बा, और इन दोनों में आपस में झगड़ा हो गई बा, जिसके कारण हमार शूटिंग रुक गई बा। मैडम ऐसा क्या हो गया इन दोनों के बीच की शूटिंग रुक गई? अरे ई का बताएंगे, हम बताते हैं। ये हमारी फिल्म का गेहूं यादव जो है बिल्कुल ही रसिया किस्म का है, चलते सीन में हमको आंख मारता है, हमसे छेड़छाड़ करता है। क्या रे, वर्क प्लेस पे एक्सप्लॉयटेशन? अरे नहीं मैडम जी, मुन्नी सटिया गई है, झूठ बोले, मैं तो बहुत शरीफ हूँ। शरीफ जादे आ जा रहा इधर। यस मैम। क्या जमे? मैडम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। सॉरी दीदी से बोलो। दीदी? अरे मुन्नी दीदी मुझे माफ कर दीजिए, माँ कसम ना आज के बाद आंख मारूंगा ना कुछ करूंगा, चुपचाप सीन करेंगे फिल्म सिल्वर जुबली बा। वैसे शूटिंग कहाँ चल रही है, सेट क्या लगा हुआ है, हम लोग भी देखने आना चाहते हैं। आओ आओ, उसमें क्या है? दरअसल का है हम बताते हैं, ए सिचुएशन ऐसा बा कि हीरो जो है वो सपना देख रहा है
कि वो हीरोइन के साथ स्वर्ग में नाचत बा। पंखा पुराना बा। ये ये। क्या है? स्वर्ग में नाचत बा? हाँ बा। अच्छा मींस के तुम्हारा जो सेट्स है वो भी स्वर्ग लोक बा? ठीक पहचाना बा। ये ये। ओहो, अरे यार तुम, आई रिस्पेक्ट डायरेक्टर्स और फिल्म वगैरह का भी ना, मैं घनी रिस्पेक्ट में चल रही हूँ। यो बताओ कि ये जो तुम्हारा सेट है स्वर्गलोक का तुमने लगा लिया? हाँ। तो अगर उसमें कुछ स्वर्गलोक से चेंज करके कोई और जैसे लोक वगैरह, मतलब जरा सा एडजस्टमेंट चेंज करना हो तो हो जाएगा ना वो, उसमें दिक्कत वाली बात तो ना है। काहे करेंगे हम ऐसा, क्यों करेंगे? हाँ सी आई ट्राई टू बी नाइस। आओ जरा इधर। एक हाथ है बोलिए। काहे नहीं करेंगे मैडम? अरे इसीलिए तो आए हैं हम यहाँ। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, कर लेंगे ना, उसमें क्या है। That's like a good set. अबे तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो बे? मैं कर रहा था सर। जो भी कर रहे सर आप कर रहे थे। मम्मी जी को आने दो, मैं सब बताऊंगा आप मेरे साथ क्या क्या जातियां करते हैं। अबे क्या, अबे कीमत क्या है तुम्हारी बताओ। 500 रुपए। चीप मैन। थैंक यू सर। अरे यार मिस चौटाला, आपके बारे में सोच सोच के पता नहीं हम क्या क्या करते हैं। परी, हम बड़े सियाने हैं, हम नहीं बनेंगे उल्लू। अबे गोपी निकल बे, दे तो सही 500 रुपए तुझे, निकल। बताइए ऐसी कंडीशन आ गई है कि मतलब मैं गोपी नहीं? ठीक है सर, हॉलीडे सीजन चल रहा है, थोड़ा स्टमक अप डाउन होता रहता है, लेकिन मतलब फेस भी गोपी इतना, मतलब तो मैं चिट्ठी में लिख जाऊंगी नाम और फिर मतलब झूल जाना चाहिए अब तो मुझे। सॉरी मिस चौटाला, अब तो मिस चौटाला है। सॉरी। ये अच्छा हम समझ गए, आप हमसे छुपन छुपाई खेलना चाहती है। हमें पट्टी बांध देते, आप छुपिए, हम आपको कैच करते फिर। सर प्लीज, आप सर बिहेव योरसेल्फ सर, कम ऑन सर, ये निकालिए प्लीज। आई एम स्टार्टिंग 1 2 3 हाइड। प्लीज सर एक मिनट, इस सब की निकल गई है सर उमर, ये इसलिए नहीं है सर। फिर यो सर इसलिए है क्योंकि वो आप जाना चाह रहे हैं ना वहां परीलोक। परीलोक? हाँ हाँ, तो उसके लिए है सर। आप विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, मानना प्रूफ चाह रहे हैं कि मैं परी हूं, तो बस वही दिलाने के लिए सर ये है। तो उससे क्या होगा, हमें कुछ समझ में नहीं आया मैं छोड़ा ला। नहीं होगा सर यो कि हर कोई नहीं जा सकता ना परी लोक, स्पेशल परमिशन मतलब ऐसे, तो फिर कोई भी आपके लिए स्पेशल फॉर्म भर के मैंने परमिशन निकाली है, तो उनने यो कही है कि आम इंसान परीलोक का रास्ता देख नहीं सकता है, इसलिए यो पट्टी पहन के चलना है परीलोक, और रास्ते में भूल के भी उतारनी नहीं है ये पट्टी, वरना वरना क्या, वरना पूरे शरीर पे लग जाएंगी फिर पट्टियां। हाँ तो ठीक है, नहीं उतारेंगे ना, इसमें इतनी डराने वाली बात क्या, नहीं उतारेंगे सिंपल। और एक दवाई भी खानी पड़ेगी आपको। अब कौन सी दवाई, क्यों दवाई, क्यों दवाई? ऐसी है कि मतलब वो दवाई खाते ही आप सिर्फ 10 मिनट के लिए बेहोश हो जाएंगे, और वो 10 मिनट में हम परीलोक पहुंच भी जाएंगे। परीलोक का रास्ता नहीं देखना है ना, इसलिए 10 मिनट बेहोशी की दवाई। वो 10 मिनट में हम परीलोक पहुंच जाएंगे। आप हमें कहाँ पहुंचाने का प्लानिंग कर रही है मिस चौटाला? परीलोक इतना पास है? परीलोक ना, परीलोक दूरी है, लेकिन एक परी की स्पीड 1000 किलोमीटर पर मिनट होती है, ये है फैक्ट। परीलोक दूरी है पर मैं लेके जाऊंगी ना आपको, इसलिए प्लीज आज रात ना रेडी रहिएगा अपना कोट वगैरह पहन के, क्योंकि वहां ठंड होगी। बी रेडी फॉर टेक ऑफ नाउ, ऑफ मी ऑफ। अरे
रोको रोको, उतरो उतरो उतरो, यही है, यही जगह है वो जहाँ पे मुझे थप्पड़ मार के भागा वो आदमी। या ब्रो, ये वही जगह थी जहाँ वो मेरे चूटी काट के भागा था। ये एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ऐसे कैसे कोई आदमी पुलिस वालों को सरेआम चूटी काट रहा है, थप्पड़ मार के भाग रहा है, क्यों हो रहा है सब? I don't know bro, God knows। एक बात बोलूं भैया, ये सब आपके बुरे कर्मों का नतीजा है। ये जो आप आशिक पंथी फैलाते रहते हैं ना चारों तरफ, उसी का कोई बदला ले रहा है आपसे। और गेहूं के साथ में घुन की तरह मैं भी पिस रहा हूँ। अगर यही बात मैं तुम्हें कहूँ, ये तू भूल के लोगों का बैंड बजाता ना, ये तेरे कर्मों की सजा है। अच्छा, ये बात आप पहले बोलते ना तो मैं मान लेता, लेकिन अब मैंने अपना इलाज करवा लिया भैया, अब मैं भूलता बोलता नहीं हूँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ। ये वजह तो बे चिंटू, कैसा लगा हैं? अभी तो तेरी गाड़ी के कांच की हालत की है। तूने कल रात को मेरी कार का शीशा तोड़ा है ना, तेरी फटी पैंट देख ली थी मैंने भागते हुए। अब छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, अभी तो तेरे कांच की हालत की है, अब मैं तेरी हालत करूंगा। रुक रुक जा, रुक जो, हो गया। अरे सब रेडी बा? हाँ भाई, सब तैयारी पूरी है ना, तुम सब रेडी हो ना? एकदम सब रेडी बा। हाँ उसको बना दिया ना बहन? हाँ बना दे। ठीक है ठीक है, ये लग रहा है ना परी लोग? देखो कितना सुंदर लग रहा है एकदम। अरे वाह, धुआं कैसे आ रहा है इसमें से? इसमें ड्राई आइस है। ड्राई आइस? हाँ। ओके चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट है। हाँ। हाँ। हम बैठ जाते हैं। रेडी? अंदा है पिताजी। हाँ, ये परी लोग है? परी लोग हैं, पहुंच गए परी लोग हैं? जी सर, यो ही सर परी लोग है नहीं, जिसकी मैं हूँ ही राजकुमारी एज यू नो, और यो है हमारे परा महाराज। हाँ नमस्ते, माय डैडी आशीर्वाद तो दोनों। हाँ नमस्ते दिया ना, ये बहुत बढ़िया हो गई कि तुम बिटिया यहाँ आ गई हो। परी तुम्हार छोटी बहन जो है वो पगला रही है इंतजार में। अरे छोटी परी, ये देखो तुम्हार बहन आ गई बा। बेबी सिस्टर। अरे छोटी क्या कर रही? मिल रही, मिल रहे हैं। How are you यार? का है कि आपस में दोनों में बहुत प्यार बा, क्योंकि पंखा पुराना बा। एक मिनट अंकल, एक मिनट, ये परीलोक में क्या भोजपुरी भाषा बात करते हैं? परीलोक में क्या भोजपुरी भाषा बात करते हैं? कोई भी भाषा बात करते हैं सर। सर यो परी लोग है ना, यहाँ जिसका जिस भाषा में वार्तालाप करने का जी करता है वो उसमें कर लेता है सर। तुम्हें कत बार बोले छी ये जेटा तुम्हें खे खे निये चोरबीटा के बाड़ाचो, तुम्हें कि भावो कि बाड़ी थेके बेरिए जखन तुम्हें एकदम चुलटुल आचड़े बेरो तो अने एकटा कौला छेले लागो कि? মো খবর পোৱা নাই কি হৈ গ'ল, মানে মানুহটো বহুত সাংঘাতিক। আরে শুনক, আপুনি তুলিকাক জানে নেকি? आप लोग अठे आए, मने तो घनी खुशी हो रही, मन तो लग रही हो कि अठे इन बैठी ने ना दाल बाटी चूरमा खाई ले है। अरे वाह, अरे वाह, हमारी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। ए परी बेटा, अब देखो अब बहुत होगा, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई हो। अब बस अब धरती लोग छोड़कर यहाँ परी लोग पे आके बस जाओ। नहीं नहीं नहीं, अब हम तुम्हारी और एक ना मानेंगे, ना हम ना सुनत बा, ना ना सुनत बा। बापू ना, जब एक बार में डिस्कशन हो गया है बात, एक बार में पल्ले ना पड़ रही तुम्हारी के नी, थोड़े दिन बाद तो जो है जब भी आके यही तो मरना है, परीलोक में यही ठुसना है। थोड़े दिन गुजार लें दो, क्या चिमटी हो रही तुम्हें? बढ़िया दोस्त बन रखे हैं ये देखो, बढ़िया लौंडा मैंने खड़ा कर रखा सामने तुम्हारे, इंस्पेक्टर हो रहा, फ्रेंड हो रहा हमारा, पसंद नहीं है क्या? मिश्राला आप काफी रूड बात कर रही है अपने पापा से। रियली सर?
नहीं सर, इसमें तो कोई बात ही ना है। देखिए क्या ना कि यो परिलोक से है सर, और यहाँ पे जिसका जिससे जो मन करता है, यानी कि जिसके प्रति जो जैसा फील करता है ना, वैसा व्यक्त कर दे सर, क्योंकि यहाँ कोई छोटा बड़ा ना है। सुनो बे, हमारे लिए चाय लेकर आओ, जाओ चलो निकलो। ये सब तो ठीक है दीदी, लेकिन इनको बता दिए हो ना कि ये पृथ्वी लोक पे जाके किसी को ये ना बताए कि ये परीलोक में आए थे, वरना वरना क्या वरना फिर कभी कुछ बोलने लायक रहेंगे नहीं सर। तो नहीं बोलेंगे ना, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, हम चुप बैठेंगे बिल्कुल। वेल एंड गुड सर, यू आर स्मार्ट बॉय, लायन के बाद एक आप ही हुए हैं। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, अब जरा फटाक से मुंह खोल के यो दवा खाइए, पट्टी बांधिए और रेडी हो जाइए फ्लाइट के लिए, हमें अब वापस पृथ्वी लोक चलना है। ओके रेडी, चढ़ा हम रेडी फॉर डिपार्चर। गोली खा ली? खाली एक और खा लीजिए सर, जस्ट इन केस है नहीं? ओके ओके सर, हाथ ऊपर, हाँ तो भाई रेडी फॉर पृथ्वी लोक, रेडी। ओह माय गॉड मॉम, आपने ऐसी चली चाल इज्दा कर दिया, कमाल इज्दा। हाँ मैडम, अब तो सर को यकीन आ ही गया होगा कि आप एक परी हैं। अरे एग्जाम पास कर ले बस, अपना करियर का सवाल है उनके। वैसे सर से झूठ बोल के ना मन ने एक घबराहट सी हो रही है, कुछ अच्छी फीलिंग ना आ रही। What is this? Oh, I'm sorry. जरा फूंक मारी थी जी, गर्म थी चाय जरा। Well, mom, एक बात कहूं, किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ नहीं होता झूठ इज्दा। मेरी पड़ोसन ने कहा चल यहाँ से फूट इज्दा। एकदम सही कहा उन्होंने, आप इसी लायक। Well, क्या रे गोलू, सर कहाँ है? सर तो अभी तक आए नहीं मैडम। बढ़िया है, मन ने लग रहा है किताबों में मुंह उड़ेल के कतई पढ़ाई कर रहे होंगे। बस रिजल्ट आ जाए सर का, एग्जाम हो जाए, पास हो जाए, चाहे बोर्ड ऑनलाइन पास हो, फिर मैं तपाक से बता दूंगी सर मैं कोई परिवारी ना हूँ, ये सब बिल्कुल एक ड्रामा करा था, आप भी बालक हैं बिल्कुल फंस गए, और वो कोई परीलोक ना है, फिल्म की शूटिंग का सेट था जहाँ आपको लेके गई थी। पिटक जाएगी यहाँ गेंद की तरीके से, फिर यहाँ खेलते रहेंगे बिल्कुल हम।